हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल को विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल विजिट करिए, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी जो आपको आपकी गाड़ी के फीचर्स इजिली समझने में हेल्प करेगी। उसके बाद अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो जैसा आपने कैप्शन देखा, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो ओल्ड फॉर्च्यूनर आती थी, ये जो 2017 वाला फॉर्च्यूनर है या 2016 एंडिंग में जो लॉन्च हुआ था, उसके पहले वाली फॉर्च्यूनर का फोर व्हील ड्राइव जो सिस्टम है उसको हम लोग समझ लेंगे। तो जहां तक मेरे को मालूम है, लोग इसको क्या समझते हैं, इसको हाथ नहीं लगाने का, इसको हाथ लगाओगे तो आपको डिफिकल्टीज आ जाएगी गाड़ी में, चैलेंजेस आ जाएंगे, ऐसे काफी सारी चीज सुनने मिलती है। बट ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसको आप अगर समझ के यूज करेंगे तो ये आपको बहुत जबरदस्त ड्राइविंग प्लेजर भी देगा और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम ऑफ रोड सिचुएशन में आपको वहां से इजिली बाहर निकल जाने में हेल्प करेगा। तो इसके हम लोग पहले चार मोड्स जो लिखे वो हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखो H stands for high speed। अब इसमें क्या होता है, HL में क्या होता है, N में क्या होता है, LL में क्या होता है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो H आपको दिख रहा है, इसमें आपको 70% पावर जो है वो रियर व्हील में रहेगा और 30% पावर जो है वो फ्रंट व्हील में रहेगा जब आप एक्सिलरेट करेंगे। सिमिलरली जब आप डी एक्सिलरेट करेंगे, एक्सिलेटर से पैर हटाएंगे, तो 70% पावर फ्रंट व्हील में चले जाएगा और 30% पावर रियर व्हील में चले जाएगा। उसके बाद जो आता है HL यानी कि हाई लॉक, इसमें बेसिकली पावर जो है 50-50 दोनों व्हील में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आगे की व्हील में भी 50%, रियर व्हील में भी 50%। बट जो आपका व्हील है वो फास्ट घूमेंगे, जिससे आपको हाई स्पीड में जो ड्राइविंग प्लेजर चाहिए फोर व्हील ड्राइव का वो मिल जाएगा। और इसका यूज कहां करना है ये भी मैं थोड़ी देर के बाद बता देता हूं। उसके बाद न्यूट्रल आप सब लोग समझते हैं। फिर HL के बाद आपको न्यूट्रल से होते हुए LL में जाना पड़ता है। अब ये जो LL है ये लो लॉक बोलते हैं, ये सिर्फ आपको यूज करना है एक्सट्रीम सिचुएशन में। एक्सट्रीम सिचुएशन इन द सेंस, जैसे आप डीप स्नो में ड्राइव कर रहे हो, आप डीप कीचड़ में ड्राइव कर रहे हो, आप रॉक्स में ड्राइव कर रहे हो, आप बहुत स्टीप अपहिल जा रहे हो या बहुत स्टीप डाउनहिल जा रहे हो, तो वो सिचुएशन में आप LL यानी कि लो लॉक यूज कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा। इससे भी पावर 50-50 होगा, बट जो टॉर्क है, ट्रैक्शन है, वो तीन गुना बढ़ जाएगा। जैसे ये पुरानी फॉर्च्यूनर में अराउंड 360 का टॉर्क आता था, तो ये तीन गुना से बढ़ जाएगा, जिससे आपको बहुत जबरदस्त ग्रिप मिलेगा और आप जैसा भी एक्सट्रीमिस्ट ऑफ रोड सिचुएशन रहेगा वो क्लियर कर देंगे। तो एक एक करके मैं सब फीचर्स बता देता हूं ये कैसे यूज करना है। अब आप अगर नोटिस करेंगे, ये मैं पीछे की तरफ पुल कर रहा हूं, ये आपको दिखा रहा हूं कि ये एकदम बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल पीछे यानी कि ये एच पे है, यानी कि हाई स्पीड। पावर जो है आपका 70% रियर व्हील में रहेगा और 30% फ्रंट व्हील में रहेगा। अब ये आप हमेशा चलाइए, सिटी में आप जब भी ड्राइव कर रहे हैं, हाईवेज पे भी ड्राइव कर रहे हैं, तो ये मोड बहुत सफिशिएंट है। हाँ, बट जब आपको लग रहा है कि आपको फ्रंट टू ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए, आपको गाड़ी थोड़ा भगाना है, फोर व्हील ड्राइव का ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, तो आपको सिंपली ये जो एच है इसको एच पे से ही आगे पुश कर देना है, जैसे मैंने अभी किया। वापिस से एक बार करके बता देता हूं, पीछे यानी कि एच, इसी को अगर मैं आगे पुश कर दूंगा तो ये HL हो जाएगा। जैसे ही आप HL करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइन आ जाएगा, सेंटर डिफरेंशियल जो है वो लॉक हो गया, यानी कि फ्रंट और रियर व्हील में आपको 50-50 पावर जो है वो मिल रहा है, ठीक है। जो ट्रांसफर केस होता है सेंटर में, वो आगे और पीछे 50-50% अभी पावर डिवाइड कर रहा है। अब एक चीज मैं बता दूं, HL आप कहीं पे भी कर सकते हो, जैसे अभी मैं पी पे था या मैं न्यूट्रल पे रहूं या ड्राइव पे रहूं, HL आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखिए, स्पीड जो है गाड़ी की वो 40 के नीचे रखिए, सो दैट कुछ मैकेनिज्म में आपको इशू आना नहीं चाहिए। एक बार आप HL में चले गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं वापिस से ये येलो कलर का साइन आ गया। अब HL के बाद आपको जाना है LL पे। LL पे जाने के लिए रास्ता जो होगा वो न्यूट्रल से होगा। अब इसके लिए आपको कंपलसरी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल पे रखना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी शिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे भी मीटर पे भी न्यूट्रल का N दिख गया। अब न्यूट्रल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, HL से जो है राइट में पुश करना है लीवर को, जैसा मैं अभी कर रहा हूं, देखिए ये वापस आ जाएगा। राइट में पुश करके इसको आगे की तरफ पुश कर देना है। तो जब आप आगे की तरफ पुश कर देंगे तो LL जो है वो एंगेज हो जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ का जो है आइकन आ जाएगा, जिसका मतलब अब LL एंगेज हो गया। आगे पीछे पावर तो 50 ही जाएगा, लेकिन जो टॉर्क है वो तीन गुना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सट्रीम ऑफ रोड सीनेरियो में आप इजिली गाड़ी चला सकते हैं। तो एक बार मैं वापस से HL पे आता हूं और आपको दिखाता हूं कि अगर मैं ड्राइव मोड पे रहूंगा तो ड्राइव में आप देखेंगे कि न्यूट्रल पे तो आ रहा है लीवर, बट ये आगे पुश ही नहीं होएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको न्यूट्रल पे जाने के बाद इसको LL पे पुश कर देना है।
सो ये होप फीचर समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी है आपको और इसमें कोई भी डाउट अभी नहीं रह गया। एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, LL के लिए कंपलसरी गाड़ी जो है पार्क रहनी चाहिए, न्यूट्रल पे रहनी चाहिए। HL जो था, HL में आपको क्या करना है, आप गाड़ी स्लो कर सकते हैं 40 के स्पीड के नीचे, H से HL में शिफ्ट कर सकते हैं, HL से H में शिफ्ट कर सकते हैं। सो होप सब क्वेरी रिजोल्व हो गई है। कुछ भी अगर इसके अलावा क्वेरी है आप कमेंट करिए, मैं आंसर कर दूंगा। वापिस से बोल देता हूँ, LL के लिए आपको कंपलसरी गाड़ी रुकाना है और गियर जो है वो न्यूट्रल पे रखना है। थैंक यू सो मच।